He was Mr. Habibullah, the traffic police of Sonamarg. तो ये हर दिन जाते हैं जोजदा की तरफ, वहां पे मुआयना करके आते हैं कि कहां तक पहुंचा है रास्ता, और आज ये फिर से जा रहे थे। इससे पहले चला जाए मैं पहले ही आके इनसे कह चुका था कि आप थोड़ा जोजदा के बारे में अपडेट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। सो जहाँ तक आज के व्लॉग की बात है, आज हम ग्राउंड जीरो से आपको जोजला की रिपोर्ट देंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और आज की न्यूज़ हम फिर से उसी पुलिस से लेंगे जो वहाँ पे काम करता है जोजला पे, और कल ही वो जोजला जाके आ चुका है और आज उसे फिर से जाना है। इससे पहले ड्यूटी पे जाए हम फिर से उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे जोजला के बारे में। ओके मिस्टर हबीबुल्लाह, कहाँ जा रहे हो आप? जोजला जा रहा हूँ मैं। जहाँ तक आज के व्लॉग की बात है, फुल अपडेट होगा जोजला के बारे में। तो पहले व्लॉग में जिसमें हमें एक पुलिस से जोजला के बारे में इन्फॉर्मेशन लिया था, वही पुलिस आज ट्रैफिक पुलिस आज फिर से वो ड्यूटी पे जा रहा है जोजला की तरफ। सो इससे पहले ड्यूटी पे चला जाए हम इससे जोजला के बारे में फुल्ली अपडेट लेते हैं, और गाड़ियों को कब तक छोड़ा जाएगा ये सारी चीजें पूछा जाएगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखें, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुल्लाह, मेरा ड्यूटी सोनामर्ग में है, TCP सोनामर्ग। जोजला का सीन है इस टाइम बहुत ही बुरा है, यानी कि कम से कम 1.5 किलोमीटर का फासला था। कल जो 14 दिसंबर को हम वहां पे जाके जो हमने वहां सीन देखे, अभी कम से कम 1.25 किलोमीटर का फासला था। तो आज 1.25 किलोमीटर को क्लियर करते करते कम से कम आज का दिन लग सकता है। उसमें एक जो बड़ा स्लाइड बीच में आ जाता है, दयाल स्लाइड है उसका नाम, और दयाल स्लाइड जो है बहुत ही बड़ा स्लाइड है, बहुत ही बड़ा एवलांच है। तो कम से कम आज एक दिन तो उसमें लग जाएगा। तो ये न्यूज, ये इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, जो भी ड्राइवर साहिबान है जहां पे फंसे हुए है, जिस जगह पे भी है, आप इंशाल्लाह कल अपने अपने घरों पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो कल अगर क्लियर हुआ तो नेक्स्ट डे डाउन कार्रवाई होगा, उसके बाद यहाँ से आप कार्रवाई होगा। कल हम जोजला में बराबर जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट से थोड़ा आगे कनपथरी, ठीक वहीं तक जाके आए, वहीं तक रास्ता क्लियर हुआ था। कंफर्म डेट कब तक गाड़ियों को छोड़ा जाएगा? आज तो पॉसिबल नहीं है, तो कल। तो आज फुल डे अगर सही तरह काम करने का मौका मिले, हवा न चले, एवलांच न आए, सही तरह काम करने का मौका मिले, तो इंशाल्लाह आज शाम तक क्लियरनेस का चांसेस है। ये डिपेंड है इस पे, मतलब वहाँ पे जो इस टाइम जो माहौल है वहाँ पे जोजला में बहुत ही बुरा है। स्पीड की मतलब 100 स्पीड में हवा चलता है, एवलांच आ जाता है, तो फिर से वो जो साफ करके मतलब जो क्लियर किया हुआ होता है वो दोबारा फिर से साफ करना पड़ता है, फिर से स्नो कटर को वहाँ लगाना पड़ता है। अभी एरो वालों को बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहा है वो लोग भी। तो हवा मौका नहीं दे रहा। अगर आप जो भी ड्राइवर साहिबान जहाँ पे भी है, जिस जगह पे भी है, आज एक दिन सब्र कर ले तो कल इंशाल्लाह चांसेस है। He was Mr. Habibullah, the traffic police of Sonamarg. तो ये हर दिन जाते हैं जोजला की तरफ, वहाँ पे मुआयना करके आते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है रास्ता, और आज ये फिर से जा रहे थे। इससे पहले चला जाए मैं पहले ही आके इनसे कह चुका था कि आप थोड़ा जोजला के बारे में अपडेट देंगे। तो ये कन्फर्म अपडेट की आज तो नहीं हो पाएगा, अगर आप आना चाहते हो। एक न्यूज ये मैं बोलना ही भूल गया, तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, बिना चेन के एंटी स्किड चेन जरूरी है, वो लगा के आ जाए जो भी ड्राइवर। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट एंटी स्किड चेन जो है वो सब अपने साथ रखना, जहाँ पे आपको जरूरत लगे वहां पे आप एंटी स्किड चेन बांध सकते हो और आराम से अपना मतलब मंजिल जो है वो क्लियर हो जाएगा आपका। जोजला जो है वो मामूली बात नहीं है, कल हम देख के आए, मौके पे जाके आए, बहुत ही रास्ता जो है बहुत ही स्लिपरी है। तो मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि मुझे भी साथ ले जाओ जोजला तक, लेकिन अलाउड नहीं है इनको। तो जोजला के बारे में अपडेट देना काफी जरूरी था, क्योंकि कुछ खास अपडेट थे नहीं, सारे न्यूज चैनल ऐसे व्हाट्सएप वाले वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपने चैनलों पे, पता नहीं। तो एक कन्फर्म न्यूज देना काफी जरूरी था। सो दैट्स दिस व्लॉग वॉज ऑल अबाउट जोजला। सो आई होप आप सबको पसंद आएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई, सो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बड़े मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।